स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की फुटप्रिंट विदाउट बुक का फिफ्थ चैप्टर है। फुटप्रिंट विदाउट फिट ही चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? अदृश्य, पारदर्शी, जिसको देखा ना जा सके। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसने अपने आप को अदृश्य देखने के लिए कुछ खोज की। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या उसने अपनी खोज का सही उपयोग किया कि गलत उपयोग किया? तो ये स्टोरी देखेंगे, शुरू करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन आएंगे। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? कि जो अदृश्य आदमी था वो पहली बार कब विजिबल हुआ, यानी कब दिखाई दिया, दिखाई देने योग्य कब हुआ, कब दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज ही वांडरिंग द स्ट्रीट्स? वो गलियों में क्यों घूमता था, गलियों में घूमने का क्या कारण था? तो इसमें पढ़ेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन हम मिलेंगे, हमें ध्यान देना। शुरू करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट फ्रेश मेडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट, नंगे पांव। इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर, एक जोड़ा नंगे पैरों की इम्प्रिंट्स, मडी इम्प्रिंट्स यानी कीचड़ से बने हुए, कीचड़ से सने हुए निशान, पैरों के निशान। दो लड़के थे, उनका अचंभा कहाँ से शुरू हुआ, आश्चर्य कहाँ से शुरू हुआ? स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। तो दोनों बच्चों ने जब एक जोड़ा नंगे पाँव की कीचड़ युक्त ताजी छाप देखी तो वे आश्चर्य से चौंक गए। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस? एक घर की सीढ़ियों के ऊपर एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, और वो भी लंदन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ था? एज द गेज, गेज का होता है नज़र डालना, जैसे उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने नज़र देख, एज द गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे उनकी नज़र पड़ी तो उनकी दृष्टि ध्यान देने के दृश्य पर पड़ी। रिमार्केबल साइट यानी कि वो दृश्य ऐसा था जिस पर ध्यान देना था। ध्यान देने के दृश्य पर उनकी नज़र पड़ी, ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अब वो देख ही रहे थे उन निशानों को, एक और ताज़ा पैरों का निशान, फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अब ये पता नहीं कहाँ से, लेकिन अपीयर हुआ, उनके सामने हुआ, यानी कि एक के बाद दूसरे पैरों के निशान बनते जा रहे थे, आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, अब आगे जो पैरों के निशान थे उनका पीछा किया उन बच्चों ने, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा पैर बनता जा रहा था, निशान बनते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, अब उन पैरों को के निशान थे, वो कदम थे, वो डिसेंडिंग होता नीचे उतरना। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते सड़क की ओर, गली की ओर वो आगे बढ़ते जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, अब उन दोनों लड़कियों ने उनका पीछा किया, फैसिनेटेड, इस बात से आकर्षित होते हुए कि बड़ी अचंभित करने वाली बात है, कोई आदमी दिखाई दे नहीं रहा और उसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, तो फैसिनेटेड करने वाली बात थी, आकर्षित करने वाली। तो वो बच्चे दोनों उसके पीछे पीछे हो लिए, फॉलोड, अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो कीचड़ के निशान थे फेंटर एंड फेंटर, फीके नहीं पड़ते चले गए, जब तक वो धुंधले होते नहीं चले गए। एंड एट लास्ट, और आखिर में, एट लास्ट डिसअपियर्ड अल टूगेदर, और आखिर में वो दोनों निशान डिसअपियर्ड भी हो गए, गायब हो गए। यानी किसी आदमी के पैर थे वो कीचड़ से सने हुए थे, और जब कीचड़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया पैरों से, तो कीचड़ दिखाई दे रहा था, कीचड़ के निशान बनते जा रहे थे, जब कीचड़ ख़त्म हो गया तो निशान भी दिखाई देने बंद हो गए। एट लास्ट डिसअपियर्ड अल टूगेदर, दोनों के निशान डिसअपियर हो गए, दोनों पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री होती है रहस्य, मिस्ट्री।
एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इन, कहता इस रहस्य का वर्णन करना वास्तव में बहुत आसान था। द बिविल्डर्ड, बिविल्डर होता है हतप्रभ, अचंभित। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट। अब स्टोरी, अब राइटर बताता है कि जो दोनों बच्चे जो आश्चर्यचकित हतप्रभ बच्चे थे, दोनों लड़के, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, किसका पीछा कर रहे थे, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। वो इस बात की खोज कर रहा था, इस बात की उसने खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि आदमी के शरीर को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है, उसके आर पार दिख जाए, यानी आदमी की जो बॉडी हो दिखाई ना दे हमें, उसके आर पार शिष्य के जैसे आदमी की बॉडी हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि शरीर कहाँ है। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। ग्रिफिन, ग्रिफिन वो साइंटिस्ट था, इस स्टोरी का हीरो यही है, मेन करेक्टर यही है इस स्टोरी का, फुटप्रिंट विदाउट फुट का क्या नाम है उसका, ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक है, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था, बार बार नए नए प्रयोग करता जा रहा था, किस लिए, टू प्रूव दैट, इस बात को साबित करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि आदमी का शरीर है वो पारदर्शी बन सकता है, इस बात के ऊपर वो रिसर्च कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था बार बार। फाइनली ही स्वालोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, स्वालो होता निगल लेना, आखिरकार उसने सर्टेन रेयर ड्रग्स, बहुत सारे दुर्लभ रसायन उसने निगल लिया, जो दवाइयाँ उसने बनाई उसको खुद अपने ऊपर ही उसने प्रयोग कर लिया, खुद ही निगल गया, स्वालो निगल लेना, गल्प। हिज बॉडी बीकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और इस प्रकार उसकी जो शरीर था वो इस प्रकार पारदर्शी हो गया जैसे शीशे की जो शीट होती है उसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसे शरीर हो गया। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि वो अभी तक उतना ही कांच के जैसा ही उसका शरीर अभी भी मौजूद, उतना ही मजबूत था, सॉलिड मजबूत। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वो वास्तव में बड़ा प्रखर बुद्धि वाला था, ब्रिलियंट था, प्रखर बुद्धि वाला। ग्रिफिन वाज रेदर ए लालयस पर्सन, फिर भी ग्रिफिन था वो एक लालयस पर्सन था, लालयस का मतलब जो कानून को नहीं मानने वाला, कानून की परवाह न करने वाला आदमी था। अब आगे स्टोरी क्या है, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और इस प्रकार उसका जो मालिक था जिस मकान में वो रहता था वो उसको पसंद नहीं करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मीनिंग होता है घर से निकालना, और उसका मकान मालिक था उसको घर से निकालने का प्रयास कर रहा था, भाई निकाल देते इसे छुटकारा पाते, वो पसंद नहीं करता था उसको। अब वो ग्रिफिन उससे नाराज़ होगा, इन रिवेंज, और इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसी घर को ग्रिफिन ने आग लगा दी, एंड टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और विदाउट बीइंग सीन बिना दिखे और वहाँ से भाग जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, कपड़े नहीं उतारता तो कपड़े उसके पैंट शर्ट कोट वगैरह जूते वगैरह दिख जाते, उसका अंदाज़ा हो जाता कि ये आदमी यहाँ है, शरीर तो ट्रांसपेरेंट था, कपड़े तो ट्रांसपेरेंट नहीं हुए थे, तो इसलिए उसको कपड़े भी उतारने पड़े ताकि वो कोई पकड़ ना ले उसको। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वैंडरर, और इस प्रकार वो बेघर, होमलेस भी हो गया, बेघर भी हो गया, और वांडर मानी आवारा घूमने वाला, इधर उधर घूमने वाला, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के। अब कपड़े उसने पहन ले तो कपड़े दिख जा ही देंगे लोगों को, पता लग जाएगा ये है। विदाउट मनी, अब उसके कोई पास पैसा भी नहीं था, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था कि वो आवारा गलियों में क्यों घूमता था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बेटर यूँ कि यूँ सेम लिख सकते हो कि हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव द क्लॉथ,
उसको कपड़े उतारने पड़े, दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर। तो बेटा यहाँ से लेके ये क्वेश्चन उसका आंसर है, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक से लेके वांडरर तक, ये क्वेश्चन है, सेम लिख सकते हो तुम। आगे हम पढ़ेंगे, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, पूरी तरह से एड्रेस से बिना पैसे के वो गलियों में घूमता था, अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और उस समय फिर उसके पैर स्टेप थे, पैर थे किसी कीचड़ में, कीचड़ के ऊपर रखे गए होंगे, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और जैसे ही वो चलता था तो उसके फुटप्रिंट थे वो पीछे उसके छूटते चले गए, उसको पता नहीं था उसके पीछे पीछे बच्चे थे उन्हें कहीं देख लिया। तो शुरुआत ये चैप्टर शुरू किया तो उस समय आया था कि भाई दो लड़कों ने उनके फुटप्रिंट को देखा था, तो ये स्टोरी यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी कि वो फुटप्रिंट कैसे आए, कि वो एड्रेस होके जा रहा था और उसके किचड़ में कहीं पैर रखे गए और वो इम्प्रिंट्स बनते चले गए निशान। ही एस्केप्ड इजीली इन फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड, अब आगे बताता है, ही एस्केप्ड, एस्केप का मीनिंग होता है पीछा छुड़ाना, इजीली आसानी से, इन फ्रॉम द बॉयज, अब लड़कों से तो वो आसानी से पीछा छुड़ा लिया उसने, कैसे उसके किचड़ के पैर थोड़ी देर में दिखाई देने बंद हो गए, किचड़ उतर गया। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो लड़के इन लंदन, लंदन के अंदर उसके फुटप्रिंट्स के पैरों के कदमों के निशान का पीछा कर रहे थे, उनसे से आसानी से छोटा पीछा छुड़ा लिया। बट हिज एडवेंचर वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके कारनामे थे वो अभी और ख़त्म होने वाले नहीं थे, उसकी परेशानियाँ थी वो अभी कम होने वाली नहीं थी। ही हैड चोजन ए बैड टाइम ऑफ ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, कहता है कि उसने लंदन के अंदर बिना कपड़े जो ये फैसला किया था, ये जो समय चुना था वो गलत समय चुन लिया बिना कपड़ों के घूमने का, वो समय गलत था। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि सर्दियों की बीच का समय था, बिल्कुल सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो हवा थी पूरी तरह से ठंडी ठंडी हवा चलती थी उन दिनों के अंदर। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और बिना कपड़ों के उसे रहा नहीं जा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, अब कहता कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में घूमने की बजाय ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, फॉर वार्मथ मैंने अपने शरीर को गर्म करने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए उसने फैसला किया, डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े से स्टोर में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सोचा कि इसके अंदर घुस जा। क्लोजिंग टाइम अराउंड, अंदर तो चला गया लेकिन शाम को उसका बंद होने का समय हो गया। एज सून एज द डोर्स वर सेट, और जैसे दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ, अब ग्रिफिन अपने आप को कपड़े और अपने आप में उसने स्टोर के अंदर उसको क्लोथिंग भी, कपड़े भी मिल गए, फीडिंग खाना भी मिल गया, और अपने कपड़े पहना के अपने शरीर को, अपने आप को खाना खिला के वो बहुत खुश हुआ, खुशी होने में कामयाब हुआ। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चा किए, अब उसका खर्चा भी नहीं हुआ स्टोर में, वो किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा था, अपने आप उसने स्टोर बंद होने के बाद सब कुछ खाना भी खा लिया अंदर और कपड़े भी पहन लिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्स, अंदर के जो बक्से थे उनको उसने तोड़ लिया, तोड़ के खोल लिया, एंड रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ विद वार्म क्लॉथ, और अपने आप के ऊपर गर्म कपड़े पहन लिए और गर्म कपड़े कुछ लपेट लिए, रैपर मन लपेटना, फिटेड मन पहन लिए, अपने ऊपर फिट कर लिए। सुन विद शूज, अब जल्दी ही विद शूज हो गया, यानी जूते पहन लिए, एन ओवरकोट, एक ऊपर का गर्म कोट ओवरकोट पहन लिया, एंड वाइड ब्रीम्ड हैट, और एक लंबा तुर्रीदार हैट पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस, अब वो एक पूरी ड्रेस वाला, फुल ड्रेस वाला, यानी उसकी ड्रेस पूरी हो गई, फुली ड्रेस, फुल ड्रेस में हो गया, एंड विजिबल पर्सन, और अब वो विजिबल पर्सन हो गया, यानी कि दिखाई देने वाला हो गया। दिखाई कैसे देने लग गया, क्योंकि उसे कपड़े दिखाई देने लग गए। तो बेटा ये क्वेश्चन आता है
कि भाई वाई इनविजिबल मैन बिकेम विजिबल, कैसे विजिबल बना वो दिखाई देने वाला सेकंड क्वेश्चन था। तो हम इसमें उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं कि ही ब्रोक ओपन बॉक्स एंड रैपर फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ द वार्म क्लोथ सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम फुली ड्रेस एंड विजिबल पर्सन। उसने ड्रेस पहन ली और अब विजिबल हो गया एंड दिखाई देने लगा। ड्रेस पहन ली तो ड्रेस दिखाई देने लग गई, वो विजिबल हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब उस एक रेस्टोरेंट था, उसके रसोई के अंदर वो घुस गया और वहाँ उसको कुछ ठंडा मीट, कोल्ड मीट मिल गया और कॉफ़ी मिल गई पीने के लिए। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उस मील का मीनिंग होता खाना, उस खाने के साथ साथ उसको मिठाई भी मिल गई खाने को। एंड वाइन टेकन फ्रॉम ग्रेसरी स्टोर, और एक परचून की दुकान पर से उसको शराब मिल गई, वाइन होते शराब, वो ग्रोसरी की दुकान में, पंसारी की दुकान पे उसको शराब मिल गई, वो ले ली उसने। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्ट्स। पाइल ऑफ क्वाइल्ट्स होते हैं रजाइयों का बहुत ढेर, रजाइयों का ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर सोने को जगह मिल गई, आराम से सो गया वो। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर सही समय के ऊपर वो अपने आप को उठा लेता, वेकअप सुबह सही टाइम पे उठ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक हो जाता। एज इट वाज, क्योंकि ही डिड नॉट वेकअप अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अपने आप को तब तक नहीं उठा पाया, यानी खुद नहीं उठा वो, जब तक जो असिस्टेंट थे यानी जो उसके सहायक कर्मचारी थे स्टोर के, वो ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो तब तक अगली सुबह हो आ चुके थे स्टोर के अंदर और वो आराम से सोया हुआ था। उठ तो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो सोया हुआ था, उठ नहीं पाया। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, एक कपल ऑफ देम, उनमें से दो को जब उसने देखा, दो कर्मचारियों को, कि भाई अब तो गड़बड़ हो जाएगी, पकड़ लेंगे, अप्रोचिंग उसकी तरफ आते हुए जब दो कर्मचारियों को देखा, ही पैनिक्ड, अब वो घबरा गया। एंड बिगेन टू रन, और भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, चेज माने पीछा करना, ये स्वाभाविक बात थी कि भाई उन्होंने उसका पीछा भी किया, ये फोटो में भी दिखाया गया है। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, और आखिर में उनसे छुटकारा पाने में वो कामयाब हो गया। एबल टू एस्केप, उनसे छुटकारा पाने में वो कामयाब भी हो गया। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, और छुटकारा कैसे पाया उसने, क्विकली तुरंत, टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, तो नए नए अभी उसने कपड़े मिले ही थे उस स्टोर के अंदर ही पहने थे रात को ही, उनको टेकिंग ऑफ कर दिया, उसको उतार दिया कपड़ों को, जब उसने अपने आप को पीछा छुड़ाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो आखिरकार एक बार फिर से वो अपने आप को अदृश्य उसने बना लिया, बट नेक्ड, नेक होता विदाउट क्लोथ, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की ठंडी रात, ठंडे समय में जनवरी की ठंडी थी, और नेक्ड और शरीर नंगा उसका, तो पता है क्या हालत होती है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट आल्सो समथिंग दैट वुड बी हाइड द एम्प्टी स्पेस। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, अब इस बार उसने एक नाटक बनाने वाली कंपनी थी थिएट्रिकल कंपनी, उसका स्टॉक के अंदर उस जाके उसने जाने का फैसला किया। किस उम्मीद में, इन होप, इस उम्मीद में ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, कि उसे वहाँ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ मिलेगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, उसे कंधों के ऊपर जो खाली जगह है यानी मुंह है, गला है, उसको ढकने के लिए भी कोई चीज़ मिल जाएगी ठंड में। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड के मारे कांप रहा था, शिवरिंग होता कांपना, ट्रेवलिंग। शिवरिंग विद कोल्ड ही हैरी टू डेरी डुअरी लेन, वो जल्दी से डुअरी लेन की ओर गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब वो डुअरी लेन कौन सी जगह थी, जहाँ थिएटर वर्ल्ड का यानी कि सिनेमा जगत का केंद्र हुआ करता था, डुअरी लेन, उस तरफ गया वो।
ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप। अब एक उसको एक सूटेबल शॉप मिल गई, जो जरूरत उसकी ज़रूरत के अनुसार उसकी एक दुकान मिल गई जैसी वो ढूंढ रहा था। ही मेड हिज वे, अब उस दुकान में वो गया। इनविजिबल अदृश्य, अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। एंड केम आउट ए लिटल लेटर वियरिंग बंडेज राउंड हिज फोरहेड, और थोड़ी देर के बाद ही कैसे आया वो अपने सिर के ऊपर फोरहेड के ऊपर पट्टियाँ लगा ली उसने उस स्टोर के अंदर। डार्क ग्लास, काले चश्मा लगा लिए, फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लिया, बिग ब्यूसी साइड विस्कर होते हैं अपने गलमुच्छे, कान के पास ही नीचे बाल लटके होते हैं, तो ये बड़े बड़े नकली साइड विस्कर गलमुच्छे बोलते हैं, गलमुच्छे लगा ली। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टॉप पहन लिया। टू स्केप, स्केप का मीनिंग अभी बताया था, छुटकारा पाने के लिए। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे और छुटकारा पाने के लिए ही कैलिसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उस दुकानदार को उसने पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया। एंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके बाद उसके पास जितना भी पैसा मिला उस दुकानदार के, वो सारा पैसा उसने रॉब कर लिया, लूट के वो भाग गया। तो दोनों क्वेश्चन के जवाब हमने मिल गए होंगे, आगे पढ़ेंगे, उसमें दो क्वेश्चन और आएंगे, तीन क्वेश्चन हैं, ये हम देखेंगे आगे वाले में। व्हाई डज मिसिज हाल फाइंड द साइंटिस्ट अकेंट्रिक, अकेंट्रिक होता है सनकी, क्रेजी, किस प्रकार मिसिज हाल को वो वैज्ञानिक सनकी मिला, सनकी दिखाई दिया, कैसे उसको पता लगा। अगला है व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, स्टडी का मतलब स्टडी रूम के अंदर कौन सी अप्रिय घटना घटी। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, उस इन के अंदर, उस राय के अंदर कौन सी असाधारण बात हुई, कौन सी घटना घटी। ये तीन क्वेश्चन हैं, आगे पढ़ेंगे तो इसमें मिलेंगे हमें तीनों क्वेश्चन। अब देखते हैं थोड़ा सा चैप्टर आधा और है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आईपिंग, अपने आप को भीड़ भाड़ वाले क्राउडेड लंडन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर ले जाने के उतावलेपन में, ईगर उतावलेपन में ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आईपिंग, उसने आईपिंग गांव में जाने वाले ट्रेन को पकड़ा। वेयर ही बुकड टू रूम्स एट द लोकल इन, लोकल इन वहाँ के जो स्थानीय सराय थी, सराय होती हैं जैसे अपने धर्मशाला वगैरह होती हैं, जो यात्री वगैरह ठहर सकते हैं किराया दे करके, उसको इन बोलते हैं। तो वहाँ की जो स्थानीय इन थी, सराय थी, उसके अंदर दो कमरे उसने बुक करवा लिए थे। कहाँ पे? आईपिंग विलेज के अंदर। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, अब कहता है कि सर्दी में वहाँ कोई, सर्दी की ऋतु होती थी, बर्फ़ गिरने के बाद कोई कहीं घूमने के लिए नहीं जाता था, और ऐसे मौसम में जब उस इन के अंदर कोई अजनबी आदमी आके ठहरता है तो किसी अचंभे से घाट नहीं थी वो बात, असाधारण घटना मानी जाती थी। तो ये यही है, द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट इन, एक सराय के अंदर एक अजनबी का आना, इन विंटर वो भी सर्दियों में, वाज इन एनी केस वो किसी भी तरह से एन अनयूजुअल इवेंट, वो असाधारण घटना थी, वो असाधारण घटना मानी जाती थी। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और इस तरह का एक अजीब आदमी और उसकी अपीयरेंस, लुक भी अनकॉमन लुक थी उसकी, अनकॉमन अपीयरेंस का मतलब उसकी जो वो दिखाई दे रहा था, यानी उसका चेहरा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, कपड़े दिख रहे थे, मुँह पर उसने पट्टी लगा रखी थी, नकली नाक था, उसने सारे काले चश्मे लगा रखे, आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसकी अनकॉमन अपीयरेंस थी, ऐसा दान लुक थी उसकी, उसको लुक को देख के सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सारे लोग आपस में बात करने लगे, एक दूसरे की चर्चा हो गई, कौन आदमी आ गया, कहाँ से आ गया। मिसिज हाल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, जो श्रीमती हाल थी वो उस मकान मालिक की, उस सराय के मालिक की पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करने के लिए, बातचीत करने के लिए एवरी एफर्ट, बहुत प्रयास की, हर प्रयास करके देख लिया।
बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, नो डिज़ायर कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उस लेडीज़ को उसने कहा, बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड, कि मेरा इस आइपिंग गांव में आने का जो मेरा मकसद था वो डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड, केवल अकेलेपन में रहने का मेरा था, एकांतवास में रहने की मेरी इच्छा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे इन माई वर्क, मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे मैं नहीं चाहता। बिसाइड्स, और इसके साथ साथ, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक दुर्घटना में मेरा चेहरा है वो प्रभावित हो गया, ख़राब हो गया है, और मेरे को ज़्यादा परेशान ना करो। सेटिस्फाइड संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट, दैट हर गेस्ट वाज एन एकेंट्रिक साइंटिस्ट, उस महिला ने देखा कि उसका जो ये मेहमान है ये वास्तव में एक एकेंट्रिक साइंटिस्ट है, एक सनकी वैज्ञानिक है, इस बात से संतुष्ट होके, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस सच्चाई के परिदृश्य में, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, क्योंकि उसने उसको पहले से ही अग्रिम रूप से उसकी पैसे भी दे दिए थे, किराया के रूप में अग्रिम रूप से पैसे दे दिए थे। मिसिज हाल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज, तो श्रीमती हाल ने अपने आप को बहाना बनाने के लिए तैयार कर लिए, अपने बहाने गढ़ लिए, बहाने तैयार कर लिए कि लोग पूछेंगे तो क्या बताना है, उसने क्या बहाने बना लिए कि हिज स्ट्रेंज हैबिट, कि उसकी जो अजीब आदतें हैं एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसके बारे में उसने पहले से बहाना बना लिया। बट द स्टोलन मनी, लेकिन जो उसका चुराया हुआ पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, उसका चुराया पैसा ख़त्म हो गया। एंड प्रजेंटली, और फिलहाल, प्रजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और फिलहाल ग्रिफिन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास और तैयार कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने अपने आप को ये बनाने की, ऐसा दिखावा करने की उसने कोशिश की, प्रेटेंडेड का मीनिंग होता दिखावा करना। हाउएवर, हालांकि, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसको किसी भी समय कोई चेक आने की संभावना, उसके पास कोई चेक आएगा तो मैं आप भुगतान कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, अब थोड़ी ही उसके कुछ दिन के बाद ही एक क्यूरियस एपिसोड एक और दूसरी घटना घट गई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन, क्लर्जीमैन होता पुजारी और उसकी पत्नी सुबह सुबह जल्दी जग गए, बाय नॉइस, एक शोर सुन के, किस तरह की आवाज़ सुन के, इन द स्टडी, कि उनके जो अध्ययन कक्ष था, पढ़ाई का कमरा, उसमें शोर की हो रहा था, आवाज़ आ रही थी, और वो पुजारी और उसकी पत्नी दोनों जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो रेंगते नहीं, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे, डाउन स्टेयर्स, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने पैसों के खनकने की आवाज़ सुनाई दी। Being taken from the clergyman desk, जो पैसे उस पुजारी की डेस्क की मेज की दराज से निकाले जा रहे थे, आवाज़ स्पष्ट थी, उन्होंने सुनाई दी, और सीढ़ियों से धीरे धीरे आ रहे थे नीचे। Without making an invoice, बिना कोई शोर किए, and with a poker grasped firmly in its hand, और उन्होंने अपने हाथ में एक पोकर का मीनिंग होता है लोहे की रॉड, वो ग्रेप्स हाथ में पकड़ी हुई थी मजबूती के साथ, फिर फिरमली माने बहुत मजबूती के साथ हाथ में उस पुजारी ने, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और इस प्रकार झटके के साथ उस पुजारी ने दरवाजे को खोला और बोला, सरेंडर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, अब उसका आश्चर्य, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो बिल्कुल खाली पड़ा है। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, लुकड अंडर द डेस्क, मेज के नीचे देखने लगे, दोनों नीचे देखा,
बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी के अंदर भी उन्होंने देखा। चूल्हे के ऊपर चिमनी होती है, अंगीठी की, उस चिमनी के अंदर भी देख लिया कहीं आदमी छुपा तो नहीं है। देर वाजेंट ए साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ किसी भी आदमी के कोई निशान नहीं थे। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, हालांकि जो मेज थी वो अभी तक भी खुली पड़ी थी। द्राज एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उसने हाउस कीपिंग का, हाउस होल्ड का, अपने घर के खर्चे के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो मिसिंग था, वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर बड़ी ज़बरदस्त असाधारण घटना, अविश्वसनीय घटना। द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब वो पुजारी बेचारा सारे दिन यही बात दोहराता रहा, जो भी मिलता उसी का कहता भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़ी असाधारण घटना घटी। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये असाधारण बात नहीं थी। एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन जो मिसिज हॉल के जो फर्नीचर के साथ जो हुआ, फर्नीचर का जो व्यवहार था, ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह श्रीमती हाल के फर्नीचर ने जो व्यवहार किया, अब उसके फर्नीचर ने क्या व्यवहार किया वो असाधारण बात नहीं थी, वो तो और भी असाधारण बात थी। अब मिस फर्नीचर के ने जो मिसिज हाल का जो फर्नीचर था उसने क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया, अब आगे देखते हैं, आगे अगली लाइन हम क्लियर हो जाएगा। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, वो सराय का मालिक और उसकी पत्नी बहुत जल्दी, वो भी जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी साइंटिस डोर वाइड ओपन, और जो वैज्ञानिक का कमरा पूरा खुला हुआ था, गेट खुला पड़ा था, उसको देख के उनको अचंभा हुआ। क्यों? यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः उनका कमरा था वो, वैज्ञानिक का कमरा हमेशा बंद रहता था और लॉक लगा रहता था, लेकिन आज वो बिल्कुल खुला पड़ा था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और इस बात से उसको बड़ा गुस्सा आया। ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उस वैज्ञानिक के कमरे में घुस जाता था उसको बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा बहुत करता था, इसलिए कोई नहीं आता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब कहता है कि ये मौका था, यह ऐसा ठीक लगता था कि कोई चीज़, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिस हुई है। अब उनको दे पीप राउंड द डोर, अब उसने घूम के दरवाजे के अंदर, अंदर पीप होता है बाहर से झांकना, पीप का मीनिंग होता है किसी दराज में से या सुराख में से देखना। पीप राउंड द डोर, दरवाजे के बाहर सुराख में से देखा, सा नो बॉडी, लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उसने निरीक्षण करने का फैसला किया। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, उसका जो बिस्तर था वो अभी ठंडा था। शोइंग, और इससे ये साबित हो रहा था, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वो वैज्ञानिक तो कुछ समय पहले से यहाँ से जा के गया लगता है। एंड स्ट्रेंजर स्टील, एंड स्ट्रेंजर स्टील, और अजीब बात ये थी फिलहाल, द क्लॉथ एंड बैंडेज, जो उसके कपड़े थे और उसकी जो पट्टियाँ जो सिर पे लपेट के रखी हुई थी, बंडेज दैट ही ऑलवेज वोर, जिनको वो हमेशा ही पहन के रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो सारी कमरे के अंदर ही पड़ी थी उस साइंटिस्ट की। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, ऑल ऑफ सडन अचानक क्या हुआ, मिसिज हाल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, श्रीमती हाल को अपने कान के नज़दीक से किसी के स्निफ, सूंघने की सी या सांस लेने की सी आवाज़ बिल्कुल कान के नज़दीक उन्हें सुनाई दी, जैसे कोई आदमी ने उसके पास सांस ले रहा हो खड़ा खड़ा। ए मोमेंट लेटर, और कुछ देर के बाद ही, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, एक टॉप था जो बेड के ऊपर रखा हुआ था वो ऊपर लेफ्ट अप होता हवा में उछला। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और सीधा उस लैंड लेडी के मुँह पे, मिसिज हाल के मुँह पे जाके लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर उस बेडरूम की जो एक कुर्सी डली हुई थी वो भी जीवित हो गई, यानी उसमें भी हलचल होनी शुरू हो गई। स्प्रिंग इन टू एयर, वो कुर्सी हवा में उछली, स्प्रिंग इन टू एयर हवा में उछली, इट चार्ज स्ट्रेट टू एट हर, और सीधी उसकी तरफ आने लगी। लेग्स फॉरमोस्ट, और उसकी कुर्सी की टांगें थी वो सीधी उसके मुँह की तरफ थी, आने को लगने वाली थी। एंड शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, वह मिसिज हाल
और उसका पति मुड़ गए वहाँ से इन टेरर मानी भय के मारे वहाँ से ट्रन अवे भाग गए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर और जो असाधारण कुर्सी थी जो अपने आप ही जीवित की तरह काम कर रही थी पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम उन दोनों को धकेल के कमरे से बाहर कर दिया एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम और उसके बाद उसको दरवाजे को उस उनके बाद में दरवाजे को लॉक लगता हुआ दिखाई दिया कि भाई दरवाज़ा बंद हो गया है और उसका लॉक भी लगा दिया गया है। मिसिज हाल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्ट्रिक्स हिस्ट्रिक्स माने बेहोश होके श्रीमती हाल अब घबराई हुई सी जाके सीढ़ियों के ऊपर जाके गिरी जैसे सीढ़ियों के पास जाके गिरने वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड अब वो कन्विंस्ड हो गई मान गई दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स अब उसको ये बात का एहसास हो गया कि जो कमरा है वो किसी प्रेत आत्मा ने इसको हॉन्टेड किया हुआ है कोई प्रेत आत्मा का वास हो गया है। दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ काज दीज टू इंटर इन टू हर फर्नीचर कि जो अजीब आदमी अजनबी रहता था स्ट्रेंजर शायद होना हो समहाउ होना हो उसी की वजह से हमारे फर्नीचर के अंदर कोई प्रेत आत्मा आ गई है कुर्सी के अंदर कोई प्रेत आत्मा आ गई है। अब वो आगे और याद करती है माय पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोइन मोइन तो विलाप करना रोक रोक के बोलना वो विलाप करती हुई कहती मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी के ऊपर बैठा करती थी टू थिंक इट ऐसा सोच के शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ और वो कुर्सी अब मेरे खिलाफ खड़ी हो गई यानी मुझे बाहर धकेलने लग गई। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज दैट ट्रेबल वॉज कॉज्ड बाय वाट विचक्राफ्ट अब पड़ोसियों के बीच में फीलिंग अमंग द नेबर पड़ोसियों के बीच में ये बात हो गई फैल गई वॉज दैट द ट्रेबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट कि जो इनके जो घर में जो परेशानी है ट्रेबल है वो किसी विचक्राफ्ट का विचक्राफ्ट यानी किसी चुड़ैल का काम लगता है विच होती चुड़ैल किसी चुड़ैल का काम लगता है बट विच क्राफ्ट और नोट लेकिन वो किसी चुड़ैल का काम था या नहीं था। वेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नोन लेकिन जब उस पुजारी के घर के जो चोरी हुई थी बर्गलरी वो खबर जब आई तो बिकेम नोन अब ये बात और अधिक जानकारी में आ गई कि भाई ये तो कोई ना कोई बात है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट अब पुजारी घर से जब चोरी होने की बात की खबर आई तो वो स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो अजनबी वैज्ञानिक था वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड अब उसमें बुरी तरह से लोगों का उसके ऊपर संदेह हो गया कि ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट शायद होना हो इसके अंदर उसी का हाथ हो सकता है। सस्पिशियन ग्रीव और उनका संदेह था वो और बढ़ गया इवन स्ट्रोंगर और अधिक उनका शक बढ़ गया। वेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश जब उसने कुछ कैश अभी सामने कर दिया अभी तक वो मना कर मेरे पास और कैश नहीं है और अब उसने अचानक से कुछ कैश राशि कैश रुपए कुछ कैश उसने पेश कर दिए। दाव ही हैड एडमिटेड हालांकि कुछ दिनों पहले उसने ये बात स्वीकार की थी नॉट लॉन्ग बिफोर अधिक समय पहले की बात नहीं है उसने स्वीकार किया था दैट ही हैड नो मनी कि उसके पास पैसे नहीं हैं और अब उसने पैसे पेश कर दिए प्रोड्यूस सम मनी तो ये बात उस अजनबी साइंटिस्ट के ऊपर और अधिक संदेह उसने पैदा कर दिया इस बात ने। द विलेज का क्या नाम था आईपिंग विलेज द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर गुप्त रूप से बिना किसी को बताए गांव के सिपाही को बुलाया गया इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल और कांस्टेबल के इंतज़ार किए बगैर बिना इंतज़ार किए मिसिज हाल वेंट टू द साइंटिस्ट श्रीमती हाल उस वैज्ञानिक के पास गई हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम और वो बड़े रहस्यात्मक तरीके से मिस्टीरियसली रहस्यात्मक तरीके से वो अपने खाली बेडरूम के अंदर प्रकट हो गया अब वो दिखाई देगा वहाँ पे उस बेड पे बैठा हुआ था अपने कमरे में। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर
अब मिसिज आलम से सवाल किया, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। अपस्टेयर मानी सीढ़ियों के ऊपर, तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे मैं जानना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू नो। शी डिमांडेड, उसने डिमांड की कि मैं जानना चाहती हूँ कि सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी से क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक खाली कमरे के बाहर बाहर से तुम कैसे अंदर आए। हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, एक खाली कमरे के बाहर तुम कैसे आए थे। एंड हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और एक ताला लगे हुए कमरे के अंदर तुम कैसे आए, मैं ये जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब वो वैज्ञानिक था, अचानक गुस्सेल था, बहुत क्विक टेम्पर्ड, अचानक गुस्से में होने वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बड़ा गुस्से में हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, नहीं पता तुम्हें मैं कौन हूँ, नहीं जानते, वो चिल्ला के बोला। वेरी वेल, आई शैल शो यू, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बंडेज, अचानक से उसने जो सिर पे पट्टी लगाई हुई थी उसको फेंक दिया। विस्कर वो जो गलमुच से लगाए हुए थे कान के पास, बड़े बड़े बाड़ों वाले स्पेक्चल्स और चश्मा थे वो हटा दिए। एंड इवन नोज, और यहाँ तक उसने अपना नाक भी हटा दिया, नकली नाक लगा रखा था। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में मुझे सिर्फ एक मिनट का समय लगा। द हॉरीफाइड पीपल इन द बार, और जो शराब का जो बार होता है शराब खाना, उसमें भयभीत लोग, हॉरीफाइड भयभीत लोग, फाउंड देमसेल्फ, अब जो अपने आप को भयभीत पाया था उन लोगों ने, स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, अब एक बिना सिराड़े आदमी को घूर के देख ध्यान से देख रहे थे कि बिना हेडलेस मैन कहाँ से आ गया। मिस्टर जफर्स, हु इज मिस्टर जफर्स, मिस्टर जफर्स द कांस्टेबल, एक सिपाही था जिसका नाम मिस्टर जफर था, ना हुआ अराइव्ड, अब वो आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, अब वो ये बात देख के पूरी तरह से अचंभित हो गया, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसको एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना जो बिना सिर का है। बट जफर वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग ही ड्यूटी, लेकिन उसकी ड्यूटी से बचाना इतना आसान नहीं था, जफर को रोकना इतना आसान नहीं था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड, अगर कोई मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर कर दे कि ए पर्सन्स अरेस्ट, किसी आदमी को गिरफ्तार करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस आदमी को किसी न किसी सूरत में गिरफ्तार होना पड़ेगा, विद और विदाउट हीज हैड, चाहे वो सिर वाला हो या बिना सिर का हो, उसको जफर छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिस मैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन। अब आगे एक बड़ा ही रिमार्केबल सीन देखने योग्य नज़ारा था, एज द पुलिस मैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक पुलिस वाला एक उस आदमी को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो और से और एड्रेस होता जा रहा था, एज ई थ्रू ऑफ वन गवर्नमेंट आफ्टर अनदर, जब वो एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा उतार उतार के फेंक रहा था तो और ज़्यादा एड्रेस होता जा रहा था, यानी जहाँ से कपड़ा उतार दे शरीर का वो सही से दिखाई नहीं दे रहा था किसी को भी। फाइनली ए शर्ट फ्लू इन टू द एयर, आखिर में एक कमीज हवा में उछली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और अंत में उस सिपाही अपने आप को संघर्ष करता हुआ नजर आया, विद समवन ही कुड नॉट सी, जो कि उस किसी को वो देख भी नहीं पा रहा था और उसके साथ संघर्ष भी कर रहा था, स्ट्रगलिंग भी कर रहा था। एट ऑल, आखिरकार संघर्ष कर रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, अब सिपाही की कुछ लोग मदद करने का भी, कुछ लोगों ने भी प्रयास किया भाई इसकी मदद करें, बट फाउंड देम सेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन वो सारे के सारे उनको ऐसी चोट लगी, किसी ने चोट मारी, दैट सीम टू बी कम फ्रॉम नोवेयर, कि वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा था कि ये चोट उसे कहाँ से आ रहे हैं, जो भी मदद करता सबको चोट मारी उसने। इन द एंड जफर वॉज नॉक्ड अनकन्शियस, और आखिर में क्या हुआ, जफर को बेहोश
कर दिया, नॉक्ड अनकॉन्शियस, चोट मार के गुस्से से उसको अनकॉन्शियस बेहोश कर दिया। एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट, जैसे उसने आखिरी प्रयास किया, अटैम्प्ट होता प्रयास, जैसे उसने आखिरी प्रयास किया टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, बिना दिखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने का जब उसने आखिरी प्रयास किया तो उसको चोट मार के अनकॉन्शियस कर दिया, बेहोश कर दिया। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज होल्डिंग, अब सब लोग वहाँ परेशान और उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे होल्डिंग होल्डिंग, पकड़ो उसको पकड़ो। बट दिस वॉज नॉट ईजियर सेड देन डन, लेकिन काम करने से इतना उसको ऐसा काम करना इतना आसान नहीं था। दिस वॉज ईजियर सेड, कहना तो आसान था, देन डन करने की बजाय कहना तो आसान, सब कह रहे थे पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़ना इतना आसान नहीं था, उसको पकड़ना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, इस प्रकार ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया, उनसे छुटवा लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई भी नहीं जानता था कि कहाँ से उसको पकड़ें, कैसे पकड़ें। एच जी वेल्स के लिखा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसी चैप्टर के नेम से ही अपनी बुक का भी नाम है, फुट प्रिंट्स विदाउट फिट। तो बेटा कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, शेयर करना, और मेरा वीडियो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और खूब पढ़ें। थैंक यू।